आप सभी का कल्कि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम फिजिक्स के टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं और हर टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हैं, को उसके हर क्यों का आंसर जानना चाह रहे हैं, उसी प्रकार आज हमारे समक्ष एक टॉपिक है गॉस की प्रमेय। आज हम गॉस की प्रमेय को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय होती क्या है कि और इसके आधार पर जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसे भी हम करेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि इसका कहां पर कैसा क्या यूज है। सबसे पहले गॉस की प्रमेय की ओर देखते हैं। तो हम जानते हैं कि गॉस जो है वो एक वैज्ञानिक है। गॉस कौन है? तो एक वैज्ञानिक है। अच्छा, गॉस एक वैज्ञानिक है। तो गॉस ने अपने एक लॉ दिया, एक प्रमेय दी, जिसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब क्या प्रमेय दी? तो इन्होंने कहा कि आप एक बंद पृष्ठ ले लीजिएगा, कोई भी एक बंद पृष्ठ ले, क्या ले लीजिएगा आप? एक बंद पृष्ठ, एक क्लोज सरफेस ले लीजिएगा। उस क्लोज सरफेस के अंदर आप कोई भी आवेश रख दीजिए। अब चलो आप खुद सोचो, अगर मैं इस बंद पृष्ठ के अंदर ये आवेश ले लूँ, इस बंद पृष्ठ के अंदर मैंने एक आवेश ले लिया, तो आवेश से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है पॉजिटिव चार्ज से, वो अभी फ्रॉम द चार्ज होती है, अर्थात आवेश से दूर की ओर होती है, प्लस क्यू आवेश से। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होंगी, इस तरीके से। समझे हम आपको एकदम क्लियरिटी से? कल मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाया था। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स तो किसी पृष्ठ में से जो वैद्युत रेखा गुजर रही है इसी की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, इस बंद पृष्ठ के अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो क्या इस बंद पृष्ठ से फोर्स लाइन निकल रही हैं, इसको छेद कर बाहर जा रही हैं? हाँ, जा रही हैं। तो क्या इससे कोई फ्लक्स उत्पन्न होगा? होगा। तो गॉस साहब ने यही बात बताई कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश रख दें तो उस बंद पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा। वो फ्लक्स गुजरेगा कितना गुजरेगा, इस बात को गॉस साहब ने बताया, अर्थात इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो इन्होंने कहा कि टोटल फ्लक्स जो है वो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा है वो उस आवेश में आप एप्सिलॉन जीरो से क्या दे दीजिएगा, भाग दे दीजिए। वही क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है। तो आप दो वर्डों में बातों को समझ पाए कि आप एक बंद पृष्ठ ले लिए, उसके अंदर आवेश रख लीजिएगा, तो उस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? तो उस फ्लक्स का वैल्यू होगा उसके अंदर जो आवेश है वो, और एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात उस आवेश का 1/(ε0) गुना होता है। कौन? निकलने वाला फ्लक्स। अब माइंड में प्रश्न तुरंत आया कि इन्होंने ये वाली बात कैसे बता दी? कोई ना कोई इन्होंने प्रूफ दिया होगा, किसी ना किसी तरीके से इन्होंने ये प्रूफ किया होगा, तभी तो ये बात बताई होगी। तो हम इसके प्रूफ के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअल में इन्होंने ये किस तरीके से बताई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो q/ε0 होता है। तो अब हम इसके प्रूफ के बारे में जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में इन्होंने किस तरीके की ये किस कैसे बात बताई। तो जानते हैं इसके प्रूफ के बारे में। इसके प्रूफ को जानने से पहले सबसे पहले हम दो बातें समझते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि इसका यहां पर यूज है। तो किस पृष्ठ को आप गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो गॉसियन पृष्ठ की शर्तें क्या हैं, या किस पृष्ठ को आप गॉसियन पृष्ठ कहेंगे? तो सबसे पहले एक ऐसा पृष्ठ जो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एक 3D फिगर होना चाहिए जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। दूसरी बात, बंद होने के साथ साथ जैसे कि मेरे पास एक बंद पृष्ठ है या कोई भी बंद आकृति है, और उस बंद आकृति के अंदर क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। उस बंद आकृति के अंदर क्या होना चाहिए, आवेश। तो इस पृष्ठ को ही हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो दो वर्डों में समझ में आया गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक बंद आकृति होनी चाहिए, उस बंद आकृति के अंदर क्या होना चाहिए, आवेश। तो उसे हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ, अर्थात एक ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो, उसके अंदर आवेश हो, अर्थात उसके अंदर ठीक है परिबद्ध आवेश हो, तो उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो गॉस साहब ने एक इसी तरीके के, मैं प्रूफ की जानना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का प्रूफ आप कैसे जानेंगे, उत्पत्ति किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले मैंने एक स्पेरिकल ले लिया, एक गोला ले लिया। ओके, मैंने एक गोला ले लिया और इसके केंद्र पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। एक छोटी सी छोटी बात को समझना, प्लस क्यू आवेश रख दिया, तो क्या इस गोले से फ्लक्स गुजरेगा? हाँ बिल्कुल गुजरेगा, बल रेखा चारों तरफ निकलेंगी, फ्लक्स होगा।
तो हम इसके फ्लक्स को जानना चाह रहे हैं कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर है या नहीं। अगर है तो भाई होगी गॉस की प्रयोग का प्रूफ तुरंत। तो मैंने यहाँ कहा कि इससे आर डिस्टेंस पर, अब भाई गोला है तो गोले का एकदम से तो आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते, तो इस गोले का जो हम फ्लक्स निकालेंगे वो इसे छोटे छोटे एरिया में विभाजित करके निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया है डीए। इस डीए की अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो आप तुरंत बता देंगे सर इस डीए की डायरेक्शन पृष्ठ के अविलंबवत भार की ओर होती है। तो इसकी डायरेक्शन पृष्ठ के अविलंबवत भार की ओर। अगर मैं प्लस क्यू आवेश से यहाँ वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछूं तो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो भी अविलंबवत भार की ओर ही होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से जो डायरेक्शन होती है अभी फ्रॉम द चार्ज होती है आवेश से दूर की ओर। ओके, तो अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से, अब यहाँ पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और क्षेत्रफल की डायरेक्शन दोनों के बीच का कोण कितना है, जीरो, चूँकि दोनों एक ही दिशा में है। अब एक और बात मान लो कि इसकी रेडियस आर है, तो अगर मैं ये कहना चाहूँ, मेरे पिछले टॉपिकों में ये बात बताई है कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर अगर कोई भी बिंदु पर आपको अगर वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो उस वैद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/4 πε0 और जो आवेश है वो और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी आर इसकी। तो अगर यहाँ इस जगह आपको वैद्युत क्षेत्र ज़रूरत पड़े तो हमें पहले से ही पता है कि E=1/4πε0 q/r². अब यहाँ देखते हैं कि इस बिंदु पर मुझे फ्लक्स चाहिए छोटे से क्षेत्रफल में, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो d φ E = E⃗ और .dA होता है, E⃗ .dA। पिछली क्लास आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो d φ E = E⃗ डॉट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, cos θ, तो E dA cos θ, थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो आप देखेंगे d φ E = E dA, जो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आप देखें कि इस सूक्ष्मतम क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इतना। चलो यही छोटा सा क्षेत्रफल मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे तो इसे छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित करेंगे। इसी तरीके से मैंने अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित किया और मैंने हर बिंदु पर देखने का प्रयत्न किया। देखिए आप समझिए, डिस्टेंस तो हर पॉइंट पर आ रही रहेगी। अब यहाँ पर आप डी ए वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे दूर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे वो भी दूर की ओर, यहाँ भी देखेंगे दूर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दूर की ओर। इस जगह भी वही कंडीशन होगी, इस जगह भी वही कंडीशन होगी। आप एक और बात सोचें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ रहा है, सभी डिस्टेंस आ रही हैं, तो इस बिंदु पर मतलब जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र होगा इस पृष्ठ पर वो इक्वल होगा, वो यही होगा, बदलने वाला तो है नहीं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कब बदलता है, जब आवेश बदले, डिस्टेंस बदले, तो आवेश तो क्यू है ही और डिस्टेंस तो सेम है ही। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक सूक्ष्मतम क्षेत्रफल पर जो फ्लक्स है वो इतना ही होगा। जब इतना ही होगा तो संपूर्ण पृष्ठ से अगर मुझे फ्लक्स चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसी का मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसी का मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, इन छोटे छोटे क्षेत्रफलों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, और जोड़ने का ही मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन E d φ का वैल्यू कितना है, E dA। अब देख पा रहे हैं कि E हर बिंदु पर कॉन्स्टेंट है, तो E को कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूँ इस डेरिवेशन को, यहाँ देख लीजिए आप। तो φ E = E को मैं बाहर ले लूँगा, तो इंटीग्रेशन E और dA। ओके, φ E = E का वैल्यू है पता है 1/4πε0 q/ कितना r². अब एक बात बताइए, dA सूक्ष्मतम क्षेत्रफल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि टोटल क्षेत्रफल जो भी आप आकृति ले रहे हैं। तो मैंने एक गोला लिया है, स्पेरिकल लिया है, तो इस स्पेरिकल का छोटा 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 एरिया करके टोटल एरिया, और आप बताइए स्पेरिकल का टोटल एरिया क्या होता है, तो 4πr² गोले का टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² वही हमें चाहिए। तो r² 4π, तो φ E = एक छोटी सी बात में इसका डेरिवेशन निकल के आ गया q/εg। क्या ये बंद आकृति है, हाँ है, इसके अंदर हमने एक आवेश रखा, तो क्या इससे गुजरने फ्लक्स गुजरेगा, हाँ गुजरेगा, कितना गुजरेगा, तो हमने प्रूव कर लिया कि q/εg, यही गॉस साहब ने बताया था। अब यहाँ पर एक कुछ बातों को और हमें जानना है, कुछ बातों को क्या जानना है, आइए इस वाली बात पर समझते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, अभी मैंने r त्रिज्या का एक स्पेरिकल लिया है, गोला लिया है, अभी मैं यहाँ पर 2r त्रिज्या का स्पेरिकल लूँ,
तो फॉर्मूला से खुद सोचिए कि सर किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो केवल किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, क्यू पर, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट राशि है, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, चाहे कहीं भी ले जाइए एप्सिलॉन जीरो का तो वैल्यू वही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्लक्स का मान केवल आवेश पर निर्भर कर रहा है। अगर मैं इसकी रेडियस दोगुनी कर दूँ, तीन गुनी कर दूँ, चार गुनी कर दूँ या आधी कर दूँ, क्या इसके फ्लक्स पर कोई फर्क पड़ेगा फॉर्मूले के अनुसार? तो आंसर होगा नहीं। तो एक पॉइंट समझ पाए गॉस की प्रमेय के अनुसार कि आकृति, आप आकृति का आकार जो है बढ़ा दें, कम कर दें, कितने भी कैसे भी उस आकृति का आकार ले लें, उसके फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रश्न पूछ ले कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से फ्लक्स 500 गुजर रहा है, अच्छा तो बताइए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से फ्लक्स कितना गुजर रहा, तो आंसर क्या होगा? 500 ही होगा। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो फ्लक्स है वो आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। जैसे कि अभी मेरे सामने एक स्फेरिकल है, एक गोला है, अभी मैं यहाँ पर एक घन ले लूँ, अभी यहाँ पर मैं एक घन ले लूँ और इस घन के अंदर एक प्लस क्यू आवेश रख लूँ, अगर कोई पूछे कि इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आंसर होगा सर इससे फ्लक्स गुजरेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कितना गुजरेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यों? क्योंकि गॉस की प्रमेय में केवल एक बंद आकृति होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए जिसके अंदर क्या रखा हो, आवेश रखा हो, तो उससे कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जरूरी नहीं है वो गोला ही हो, गोले में मैंने प्रूव करवा दिया तो वो हर चीज़ के लिए प्रूव होगा, ये वाली बात भी है। ओके, अब एक और बात समझे कि किसी भी आकृति में अगर अंदर आवेश रखा है तो उससे कुल फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। वो आकृति कैसी भी हो, आकृति का आकार बढ़ा दें घटा दें, उसके फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दो पॉइंटों को आपको समझना है, ठीक है। अभी मैं कुछ और आकृतियाँ ले लूँ इस जगह, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉइन ले लिया, ये रहा कॉइन, और इसके अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया, और कोई पूछे इससे कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो आंसर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं एक बेलन ले लूं, यहाँ मैं बेलन को दिखा देता हूँ, एक बेलन ले लिया, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश, तो बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आंसर होगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। तो आप किसी भी आकृति के अंदर अगर कोई भी आवेश रखते हैं तो उस आवेश से जो फ्लक्स गुजरेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। यही होती है गॉस की प्रमेय, आपने प्रूफ भी जाना। एक और बात छूट रही है, अभी मैंने इसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, अभी मान लो ये क्यू वन है और एक और मैंने आवेश रख दिया क्यू टू, एक और आवेश रख दिया क्यू थ्री, एक और आवेश रख दिया क्यू फोर, अब बताओ फ्लक्स कितना गुजरेगा? तो यहाँ पर जो हमने डेरिवेशन पढ़ा है, अभी मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता, अब क्या करें, अब यहाँ तो क्यू चार है मेरे पास, तो यहाँ पर नेट चार्ज जितना भी बंद आकृति के अंदर जो भी नेट चार्ज है उसे हमें लेना, तो कितना नेट चार्ज हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो आपको ये नहीं कि एक ही चार्ज है, जितना भी चार्ज हो उसका नेट, तो फाइव बराबर अगर यही कहना चाहें तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, लेकिन Q क्या, उसके अंदर जो भी टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज लेना है। अगर एक है तो एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो है तो उन दोनों को जोड़ के, तीन है तीनों को जोड़ के, मतलब नेट चार्ज कितना है उसमें ही एप्सिलॉन जीरो से भाग देना। तो ये है गॉस की प्रमेय, प्रूफ समझ पाए, एक्चुअल में है क्या ये जान पाए। एक लाइन में ही आप समझ गए कि कोई भी एक आप बंद आकृति ले लिए, उसके अंदर अगर आवेश रखोगे तो उससे फ्लक्स गुजरेगा, हाँ गुजरेगा, कितना गुजरेगा, तो उसी आवेश का एक बट्टे एप्सिलॉन जीरो गुजरेगा। यही होता है गॉस की प्रमेय, प्रूफ क्या ये भी जान लिया, आवेश अगर एक से ज़्यादा रखे हों तो क्या करेंगे, तो नेट चार्ज, तब एप्सिलॉन जीरो से भाग देंगे। तो ये सभी बातें हम छोटे छोटे पॉइंटों के आधार पर जान पाए कि एक्चुअल में कौन सी बात क्या है। दूसरी बात ये कि अगर आकृति में आप बदलाव करेंगे, आकृति घन ले लें, कोई मतलब एक बंद आकृति होनी चाहिए, आकृति कैसी भी हो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जो भी उस आवेश का ही एक बट्टे एप्सिलॉन जीरो गुना होगा, आकार बढ़ा दें घटा दें इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ों को हम छोटी छोटी बातों को समझ पाए। ओके, अब एक महत्वपूर्ण बात को और मैं समझाता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण है? वो महत्वपूर्ण ये है कि गॉस की प्रमेय का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय का यूज्ड कहाँ कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कहने का अर्थ क्या, कहने का अर्थ ये है कि फाई ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और एक और दूसरे तरीके से देखें फ्लक्स का फॉर्मूला जो कल हमने पढ़ा था, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर एक बात आप देखें कि फाई कुल फ्लक्स तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की तुलना करा के देखें तो एक बात और समझ में आती है
कि अगर हमें किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश पता है क्यू और उसका एरिया अगर हम पता कर लें कि निश्चित आकृति हो तो एरिया तो पता चल जाएगा, स्फेरिकल बेलन जो भी है एरिया पता चल जाए, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब गॉस की प्रमेय का एक यूज़ तो हमें यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका यूज्ड क्या है उसे आप समझें। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक इस तरीके की आकृति है, देखें इस तरीके की, और यहाँ पर एक आवेश रखा है क्यू। मैं अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, ऐसे समझें। तो आप देखें इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, यहाँ इससे थोड़ा सी कम है। तो आप बताएं क्या इन बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, समान रहेगा? नहीं रहेगा, बात को समझें। एक और बात, यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ क्षेत्रफल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ क्षेत्रफल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके जो बीच का एंगल है वो भी बदल रहा है, हर बिंदु पर अलग अलग है और क्षेत्रफल भी अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ आकृति कुछ और, यहाँ आकृति कुछ और, यहाँ आकृति कुछ और। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे हर अलग अलग पॉइंट को और जोड़ के देखेंगे, तो क्या ये मैथ के अनुसार कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि गॉस की प्रमेय ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज एप्लीकेबल मतलब सदैव सही है, कोई दिक्कत वाली, लेकिन उसका यूज है वो यूज हम कुछ निश्चित कंडीशन में ही कर पाते हैं। निश्चित कंडीशन में क्यों कर पाते हैं? अगर मैं यहाँ इस गॉस की प्रमेय का अगर यूज करूँ तो एक बात तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सर इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आंसर तो तुरंत हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन अगर मैं इस चीज़ का यूज करना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाऊंगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाएगी, सॉल्व करते करते परेशान हो जाऊंगा। तो यही वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि गॉस की प्रमेय का एक्चुअल में यूज कहाँ कहाँ है, किस कंडीशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा गॉस की प्रमेय का यूज कर सकते हैं, या गॉस की प्रमेय ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। गॉस ने एक डायरेक्ट फॉर्म में बता दो दिया कि कोई सी भी आकृति ले लीजिएगा और भाई फ्लक्स जो गुजरेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, लेकिन गॉस की प्रमेय स्ट्रॉन्ग नहीं है, अर्थात उसका यूज तो एक निश्चित कंडीशन में होता है, वो कैसे होता है ये मैं समझाता हूँ। गॉस की प्रमेय का आप यूज तब कर पाएंगे जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर, जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश रख रहे हैं उस आवेश का जो इफेक्ट है वो सममित होना चाहिए। सममित मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब हर जगह उसका इफेक्ट एक जैसा दिखना चाहिए। अब कैसे, जैसे कि सपोज दैट मैं इस आवेश को यहाँ रख दूँ, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो बताओ कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा? तो क्या ये आवेश का इफेक्ट चारों इस बंद पृष्ठ के अंदर सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक मतलब हर जगह समान है? नहीं है। अगर मैं इसी आवेश को इसके केंद्र पर रख दूँ तो अब देखो हर जगह सेम रहेगा इफेक्ट इसका, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो इसका मतलब ये है कि जो हम आवेश इसके अंदर जो रख रहे हैं, जो वितरित कर रहे हैं, वो एक तरीके से वो क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। सममित का मतलब क्या है ये तो मैंने अभी आपको समझाया और फिर आगे भी कुछ एग्जाम्पल दे देगी मैं आपको समझाऊँगा। पहला पॉइंट तो यही कि आवेश जो आकृति के अंदर है उसका इफेक्ट सममित होना चाहिए, तो आप अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा फिर वही दिक्कत वाली बात आ जाएगी, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर आप गॉस की प्रमेय का यूज, प्रयोग सही है गॉस की प्रमेय लेकिन यूज करना कठिन हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से यूज कहाँ कर सकते हो ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है समझा चुका हूँ कि एक बंद पृष्ठ इसके अंदर आवेश हो, तो हम जो गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं उसके हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा तो आप उसे अच्छे से अच्छे हल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। गॉस की प्रमेय का यूज करो, सॉल्व कर लो, हल तुरंत हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं निकल के आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इन जो डीए वेक्टर और जो ई वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल है वो हर बिंदु पर ई वेक्टर और जो डीए वेक्टर है उनके बीच का जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए। अगर एक बिंदु पर 30 है तो दूसरे पर 30 30 30, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, वो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। अब एक पर 50 है, एक पर 80 है, एक पर 40 है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे ही हो जाएगा, एक पर 53 है, एक पर 55 है। तो यूज्ड करने की सरलता से आप गॉस की प्रमेय को कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, गॉस की प्रमेय का अच्छे से अच्छे कहाँ यूजेज है, तो वो मैं कंडीशन बता रहा हूँ।
तो ये फिलहाल दो तीन कंडीशन है कि चार्ज का सममित रूप से फैलाव होना चाहिए चारों तरफ, जो गॉसियन पृष्ठ है उसके हर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, सेम का हो पाएगा वो आप समझ आ रहे हैं। अच्छा, ई और डी ए के बीच जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ पर हर जगह सेम होना चाहिए। तो आप गॉस की प्रमेय का बेस्ट प्रयोग कर सकते हो, अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे आपको समझना ही समझना है, ज़रूरी नहीं है कि हम गॉस की प्रमेय पढ़ लिए बस हो गया काम, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब मैं आपको ये समझा चुका, अब हम इसे कुछ क्वेश्चनों के जरिए से और एक्सप्रेशन दे पाते हैं। देखिए, क्वेश्चनों के जरिए से, तो मेरे पास एक घन है, मेरे पास एक घन है, इस घन की एवरी साइड इक्वल है ए, ए होती है इक्वल क्या है ए। अच्छा, मैं इसके केंद्र पर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, इसके केंद्र पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब देखो, मैं यहाँ सममित वाली कंडीशन समझाता हूँ, अगर मैं इसके केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज ना रख के बल्कि एक बुझा के या नज़दीक रख दूँ ऊपर वाली बुझा के, ठीक है, अब समझना, और एक मैं यहाँ पर इसके अंदर एक इसके सेंटर पर जो केंद्र है मैं लिख ही देता हूँ, केंद्र पर मैंने एक प्लस क्यू आवेश रखा और एक मैं अलग रख के दिखाऊंगा, पहले इसे समझो। अगर कोई पूछे कि इस पूरे घन से, ठीक है, पूरे घन से नेट का मतलब पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, आंसर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, आंखें बंद करके बता दें, चलो हमें पता है बंदा आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स कितना। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस घन के कितने पृष्ठ हैं, तो आप कहोगे सिक्स पृष्ठ हैं। देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा नीचे वाला, ये एक ये रहा, बात को समझा बहुत अच्छे से, एक ये रहा, ठीक है। अच्छा, एक सामने वाला, एक वाला बैकअप वाला, तो इसे भी थोड़ा सा कर दो, और पीछे वाला, तो छह पृष्ठ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके एक पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजरेगा, ये बताओ आप, एक पृष्ठ से केवल, तो अभी आप कैसे बताएंगे। देखिए भाई, अभी आवेश जो है वो कहां पर रखा है, इसके केंद्र पर रखा है, तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो चारों दिशाओं छह बजा से सेम कंडीशन में गुजरेगा, चूंकि केंद्र का मतलब ये है कि बीचों बीच में आवेश रखा है, और जब बीचों बीच में आवेश रखा है तो इससे जो वैद्युत रेखाएं निकलेंगी वो इधर 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 नीचे ऊपर चारों तरफ से सेम डिस्टेंस पे, तो समान गुजरेंगी फ्लक्स, अर्थात हर भुजा से फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, चूंकि उनका एरिया तो वैसे ही पहले ही से सेम है, दिख रहा है आपको, चूंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ का जो एरिया होता है वो सेम होता है, कैसे, चूंकि भुजा ये। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये आवेश केंद्र पर रखा है, अगर यही आवेश केंद्र पर रखा है, तो छह भुजा से जो फ्लक्स गुजरेगा वो समान होगा। अगर एक भुजा से मैंने फ्लक्स फाई मान लिया है, तो इससे भी फाई, इससे भी फाई, इससे भी फाई, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि नेट फ्लक्स कितना है, तो फाई प्लस फाई प्लस फाई, और छह भुजा से फाई प्लस फाई प्लस फाई, तो आप देखेंगे नेट फ्लक्स गॉस की प्रमेय के अनुसार क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पर कितना हो गया सिक्स फाई। अगर मैं एक भुजा से फ्लक्स निकालना चाहूँ, एक पृष्ठ से फ्लक्स निकालना चाहूँ, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा सिक्स एप्सिलॉन। तो आपने बड़ी आसानी से निकाल के दिखा दिया, और गॉस की प्रमेय का यूज भी हो गया आसानी से। अब सोचो, अगर यही आवेश में केंद्रते ना रख के बल्कि किसी एक भुजा के नज़दीक रख देता, तो आप सोचिए कि मैंने इस पृष्ठ के नज़दीक रख दिया, तो यहाँ से तो फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा, क्या यहाँ से जितना गुजर रहा है वो यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि अब इससे दूरी जो है वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, इससे जितना गुजर रहा है इससे गुजरेगा, नहीं गुजरा, तो क्या आप इसे फाई 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 कह पाओगे, नहीं कह पाओगे, फिर अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो क्या अलग अलग पृष्ठ से फ्लक्स बता पाओगे, गॉस की प्रमेय का क्या यूज़ कर पाओगे अच्छे से। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आवेश जो है वो एक सममित कंपटीशन में होना चाहिए, तो आप गॉस की प्रमेय का बेस्ट प्रयोग कर सकते हो। तो आपने देखा कि केंद्र पर रखा तो उसका हर जगह हर पृष्ठ पर जो इफेक्ट है वो सेम दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा हर पृष्ठ पर, और एरिया वैसे ही इक्वल है, तो हमने तुरंत एक भुजा का फ्लक्स निकाल लिया क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो। दूसरी बात ये कि हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ी, हमें तुरंत बातें समझ में आ रही हैं कि एक पृष्ठ से क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो कैसे आया। दो पृष्ठों की बात करें तो दो का मल्टीपल कर दो, जब एक से फाई है तो दो से कितना होगा टू फाई, तीन से थ्री फाई, कुल कितना तो वो तो हम जानते ही। तो यही मैं सममित की कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप गॉस की प्रमेय का बेस्ट प्रयोग कहाँ कर सकते हो, ये चीज़ आपको समझनी है। अभी मैंने यहाँ घन के जरिए से आपको समझाया, अब मैं थोड़ा सा आगे के लेके चलता हूँ और लाजवाब तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो जैसे कि मेरे पास एक वेलन है और ये रहा मेरे पास एक वेलन, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं इसे, ये रहा वेलन। ओके, और इस बेलन की जो लेंथ है वो लेंथ एल अपॉन टू है। क्या है लेंथ? एल अपॉन टू, ठीक है। और ये इसकी रेडियस है। चलिए, यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, अब बताओ इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? क्या सोच सकते हैं कि इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? कुछ लोगों का आंसर होगा कि सर फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये कब होता है? जब कोई भी आवेश उसके कहाँ रखा हो, अंदर। क्या ये आवेश इसके अंदर रखा है? अरे कहाँ रखा है? अंदर, देखना। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम ये वाली बात नहीं कह पाएंगे कि यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा कैसे सोचना पड़ेगा कि ये बंद आकृति में नहीं है, तो हम थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं कि इसे बंद आकृति में रखते हैं। कैसे रखते हैं? चलो, ये आधा बेलन दिया है, जैसे एल वाई टू है, तो हम इसे थोड़ा सा एल वाई टू लंबाई तक और ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक। ये एल वाई टू ये और एल वाई टू ये, सोचो, सरलता होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसी पूरे बेलन के अंदर ही रखा है, बिल्कुल रखा है, अभी इस बेलन के अंदर रखा है। मुझे केवल यहाँ इसका फ्लक्स नहीं चाहिए, इसका फ्लक्स चाहिए, कि बताओ इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा? ये तो आप बताइए कि अब ये बंद आकृति के अंदर रखा, तो आप बताइए इस पूरे बेलन से फ्लक्स कितना गुजरेगा? तो आंसर होगा इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन के क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो। लेकिन आपको खुद पता है, मुझे ऊपर वाले ठीक है पार्ट से मतलब नहीं है, नीचे वाले पार्ट से मतलब नहीं, मतलब है। तो आप बताओ कि ये कितने बेलन हो गए? तो दो बेलन हो गए, एक ये और एक ये, या एक बेलन के कितने पार्ट है? दो पार्ट। तो एक बेलन के दो पार्ट हैं, अगर टोटल पार्ट में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो इस नीचे वाले पार्ट में से कितना गुजरेगा? तो आंसर होगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, आधा ही तो है। देखो आप समझ सकते हैं, तो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बंद आकृति में नहीं है, तो बंद आकृति में कीजिए। तो मैंने एल वाई टू है, तो एल वाई टू लंबाई और ले लिया, तो इस पूरे प्रश्न से कितना गुजरेगा? आप गॉस की प्रमेय यूज होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो बताओ ठीक है, टोटल से क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो इस आधे पार्ट से कितना गुजरेगा? तो आधा गुजरेगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, तो आधा इधर से गुजरेगा, आधा इधर से गुजरेगा। तो यही बात है। और एक और क्वेश्चन हम छोटा सा लेके सॉल्व करते हैं, उसे मज़ा आएगा आपको समझने में। मेरे पास एक सेमी स्पेरिकल है, ये रहा अर्धगोला है, लो कटोरा, ठीक है, एक सेमी स्पेरिकल अर्धगोला है। अब ये अर्धगोला है, इसका ये सेंटर है, और यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस जो भी है, आर जो कुछ भी ले सकते हैं हम। अब आपसे मैं पूछूँ कि इतने भाग से बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर फाई बराबर हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो का प्रयोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आवेश एक बंद आकृति में चाहिए, केवल तभी लगा सकते हैं। तो क्यों ना हम एक थोड़ी सी कल्पना कर लें कि इतना ही अर्धगोला है, ऊपर से ठीक है लगा दिया, अब इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है। तो अब बताओ फ्लक्स कितना गुजरेगा? तो नेट फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब टोटल से क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इधर से भी इधर से भी, तो इधर से भी उधर से भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो हमें केवल नीचे से मतलब है। तो नीचे से कितना गुजरेगा? तो फाइव ई बराबर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो आप कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को भी समझे कि अगर आवेश उसके अंदर नहीं है तो हम ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि सममित का क्या खेल है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान का क्या खेल है, ये भी हम बात समझ पाए, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगली क्लास में हम इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि इसके आधार पर और ठीक है कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, तो अगली क्लास में हम उस चीज़ का प्रयोग करेंगे और बढ़िया तरीके से उसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।